अच्छा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबकी कोई ना कोई याद होती है, और जाहिर है ये भी छोटे तो इन लोगों की यादें थी मांदनी पड़ी होंगी। सो जब ये अली साहब पहली दफा गोद में आए हैं जी, शफात साहब आपकी, तो कैसी फीलिंग थी? बड़ी मुनफरिद, बड़ी यूनिक फीलिंग थी। हाँ, मैं रो रहा था बिला बच्चा। नहीं कहें मैं इसकी, मतलब वो जब, क्योंकि इसकी आमद जो है वो एक बड़ा, मतलब वो वाकया था मेरे लिए, एक जिंदगी का बड़ा यूनिक वाकया था। मैं बड़ा जज्बाती हुआ था। हाँ। सारा दिन मैं कूल एंड काम था। हाँ। जब इसकी पैदाइश है, सामने फिर मैं रो रहा हूँ। तो ये एक इंसिडेंट था। तो जब ये माशाल्लाह से होने वाले थे, तब आपका ख्याल व्याल रखना, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा, आइसक्रीम खानी आधी रात को, बंद कबाब खाना है, मेरी बस मतलब मुंह से ख्वाहिश निकलने की देर होती थी। हाँ। और मेरी तो बहनें बड़ा मजाक उड़ाती थी मुझे ना, इन्होंने एक कुशन्स का एक वो बनाया हुआ था सोफा सा, और उसमें मुझे कहते थे कि बस तुम क्वीन हो, क्वीन बन के बैठे हो। अच्छा। बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वो कोई बेबी शावर या कोई ऐसी चीजें, कोई सरप्राइज जब आप इसको घर लेकर आए, कोई ऐसी चीजें? बेबी शावर थ्रो किया था, बेबी शावर तो पहले हुआ था, और जब मैं ले आई थी तब मैंने जबरदस्ती इनसे गिफ्ट मांगा था, तब तब इन्होंने नहीं दिया था, तो मैंने कहा था अब दो ना भैया। हाँ, अब तो ये आ गया। हाँ, अब तो आ गया, अब तो दो। तो ये जब ये इस दुनिया में आ गए, कौन सी चीज ऐसी थी शफात जो जरा डरता था करने में कि नहीं ये मैं काम नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा कोई काम, सब कुछ करते थे, बल्कि इनफैक्ट खुशी से करते थे। जैसे नॉर्मली फादर्स जो हैं वो डायपर चेंज करने पे इतने कंफर्टेबल नहीं होते, ये खुशी खुशी कहते थे, गाना गाते गाते जाते थे और चेंज करके साफ करके फिर मुझे देते थे। तो अली की कोई छोटी चीजें, कोई ऐसा होता जब जब वो पहला हाँ, होता है ना बच्चा, हाँ, तो उसकी हर चीज संभाल के रखते हैं। हर चीज मैंने संभाली हुई है, इनफैक्ट इनकी अम्मी ने इनके बचपन का, जब ये पैदा हुए थे तो हाँ, फर्स्ट डे के जो कपड़े थे वो संभाले हुए थे, तो मैंने वही फिर वजदान को पहनाए थे जब ये पैदा हुए।